नमस्कार, दिनभर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुक करते हैं दिनभर की खास खबरों की ओर। पहली खबर में आपको बता दें कि आज लायंस क्लब गोड्डा की ओर से परगोडी गांव में एक मेगा हेल्थ कैंप सह वैक्सीनेशन जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 400 रोगियों की जाँच की गई तथा 150 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। साथ ही 110 लोगों का CBC जाँच व 132 लोगों का ब्लड शुगर जाँच एवं 200 लोगों का कोरोना जाँच किया गया। इस कैंप में लॉयन डॉक्टर अशोक कुमार, लॉयन डॉक्टर SK चौधरी, लॉयन डॉक्टर बंदेवी झा, लॉयन डॉक्टर अजय झा, लॉयन डॉक्टर प्रभा रानी प्रसाद ने रोगियों की जांच की, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। दूसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा जिला के हनवारा थाना क्षेत्र के काला डुमरिया गाँव स्थित कुआं में डूब जाने से 2 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गाँव में एक छोटा कुआं है, जिसमें आज एक बकरी डूब गई थी, जिसे निकालने के लिए पहले एक व्यक्ति सुबोध कुमार सिंह कुएं में उतरा और बेहोशी की हालत में कुएं में ही रह गया, जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति जो बगल के ही रिश्ते में मृत व्यक्ति का चाचा लगता था, वह भी उसे बचाने के लिए कुएं में उतरा, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी कुएं में डूब गया और दोनों की मौत कुएं में हो गई। तीसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा में एक और बच्चे की थैलीसीमिया बीमारी से पीड़ित होने की सूचना मिली है। इसे हर महीने ब्लड की आवश्यकता होती है, वहीं इस महीने ब्लड ना मिलने के कारण परिजन व कई युवाओं द्वारा ब्लड डोनर ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, ताकि इस बच्चे को इनके ग्रुप का ब्लड मिल सके। काफी परेशानी के बाद गोड्डा के असनबनी मोहल्ले निवासी ब्रदर्स ग्रुप के युवा अब्दुल ने इस बच्चे को ब्लड डोनेट कर बच्चे की मदद की। अगली खबर में आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर विलेज स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की ओर से महागामा के गुदिया ग्राउंड में एक दिवसीय फुटबॉल मैच के साथ 1600 मीटर के दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 1600 मीटर दौड़ में प्रथम पुरस्कार अजय कुमार, द्वितीय पुरस्कार गुलशन कुमार, तृतीय पुरस्कार अशोक कुमार को दिया गया। वहीं फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर गोड्डा और द्वितीय स्थान पर ललमटिया की टीम रही। मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष सुदामा कुमार सिंह भी मौजूद थे। और अंत में आपको बता दें कि देवघर के नैयाडी गांव में हथियार की नोक पर जमीन घेराबंदी करने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने पकड़ कर भेजा जेल। आज देवघर SDPO पवन कुमार ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि कुंडा थाना में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नैयाडी गांव के समीप कुछ लड़के हथियार चमका कर जमीन घेराबंदी करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद इसकी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवक को हिरासत में ले लिया। वही हिरासत में लिए गए तीनों युवक के पास से कुंडा पुलिस ने एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया है।